मैं कपड़े रख के वहां पर काम कर रही हूँ। पानी रखा था आपको क्लास सीयर जीयर आ चुके हैं। जी क्लास आवाज नहीं आ रही आपकी। नो सर, अभी तक नहीं आए सीआर जीआर। और कितनी स्ट्रेंथ है बेटा आपकी क्लास की? सर एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। अच्छा आपको क्लास का एग्जैक्ट नहीं पता क्या आपकी स्ट्रेंथ? अच्छा 59 है। अच्छा 59 है। और आपने लेक्चर्स देखे? यस सर। ठीक थे, आसान थे, समझ आ गए आपको? Yes, और कैरिकुलम आपने देखा? जो आपका कैरिकुलम है, जो आपकी कोर्स आउटलाइन है सॉरी, वो आपने क्या देखी एलएमएस पे जाके? जी क्लास स्टार्ट करें क्लास या थोड़ा सा वेट और करें? जी जावेद साहब। सर
कर ले स्टार्ट। जावेद साहब तो आप जरा अपने ग्रुप में बता दें, और कोई है तो उसको जरा देख लें प्लीज, ताकि स्ट्रेंथ आपकी थोड़ी सी बराबर हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, अबाउट 30 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास मेरा सबसे क्वेश्चन है, आई होप कि आप सब सुन रहे होंगे, सिर्फ ज्वाइन नहीं किए होंगे। आपने जो लेक्चर्स हैं उसको देखा जी? क्लास रिस्पांस चाहिए मुझे आपकी तरफ से। यस सर। अच्छा, मैं आप से जो दो लेक्चर्स आप जो लेक्चर्स आपके पास वीकली हुआ करेंगे, वो मैं आपसे किसी भी टाइम जो है वो जो जब लेक्चर्स हमारा स्टार्ट होगा तो मैं किसी भी स्टूडेंट से उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, उसको देखने के लिए कि क्या इधर उन्होंने लेक्चर को देखा या नहीं देखा। इसके अलावा प्लीज जो आपका कोर्स आउटलाइन है इसको देखिए, इसको समझिए। पहला चैप्टर आपका बहुत आसान है, बहुत बहुत जबरदस्त सा है। उसके बाद आपके जो सेकंड थर्ड फोर्थ वाले हैं वो आपको बेसिकली वो जो तीनों चैप्टर हैं वो आपको सीखने चाहिए। एज अ टीचर कंप्यूटर स्टूडेंट आपको वो लाजमी सीखने चाहिए, और आपको वो काफी हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी कोई रिसर्च करेंगे या कोई प्रपोजल या कोई सिस्टम बनाएंगे। आपका जो फिफ्थ और सिक्स चैप्टर है वो और सेवन्थ एट्थ चैप्टर, ये आपके डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी फार्मेसी के प्रोफेशन के साथ। तो जो पहला चैप्टर है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, बेसिक्स हैं कंप्यूटर की, जो कि आप जानते भी हैं, उनको समझते भी हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और क्लास आपको कोई भी चीज समझ ना आए तो आप प्लीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू ईमेल, आप या जब आप सेशन हो रहा हो तो अपने क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन करें, और मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे कोई भी है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। क्लास जी बेटा, सीआर जीआर कौन है बच्चे इस क्लास का? सर मैं जीआर हूँ। क्या नाम है? अच्छा मरियम। जहाँ सीआर आया हुआ बेटा, सीआर ज्वाइन किया हुआ है मरियम? नो सर अभी नहीं किया हुआ। अभी नहीं किया? अमार है। अच्छा अमार है। तो हम किससे स्टार्ट करना चाहेंगे आप? मैं स्क्रीन शेयर के दोबारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे जाऊं या हम इस तरह डिस्कशन करना चाहेंगे? आप लोग मुझसे इस तरह डिस्कशन करना चाहेंगे? सर स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा ओवरव्यू कर दें लेक्चर्स का, अगर उसमें किसी को इश्यू होगा तो साथ साथ हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, गुड हो गया। स्क्रीन आ गई आपके पास? नो सर अभी नहीं शो। अच्छा अभी नहीं शो, शेयर कर लेता हूँ। शेयर हो गया। अब आ गई आपके पास बच्चे स्क्रीन? यस सर आ रही। अच्छा, हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, और उसका जो पहला टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ डेटा प्रोसेसिंग।
कि डेटा को पहले हिस्ट्री में जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कैसे प्रोसेस किया करते थे। आइदर के वो, अगर मैं उसकी तरफ जाऊं तो हमारे पास जो उसकी बैकग्राउंड है वो काफी पुरानी है। वो अबैकस का नाम सुना है आपने? अबैकस? यस सर। वहां से बेसिकली आपका जो था वो डेटा प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी। अब उसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे उसमें अबैकस के बाद आपके पास आता है ये -2 2500 BC की बात कर रहे हैं, फिर 2500 BC आपके पास नेपियर बोन था, फिर स्लाइड रूल आया, फिर पास्कल आया, फिर उसके बाद आपके पास जो है कॉलम्स कैलकुलेटर्स आए, पंच कार्ड्स मशीन्स आई, मैकेनिकल कंप्यूटर्स जो थे वो आपके पास आते रहे, ये चीजें एडवांस होती चली गई। मैं जो बेसिकली हिस्ट्री आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि ये आप कंप्यूटर के स्टूडेंट तो है नहीं ना, आपने उसको एज आ पढ़ना है एज आ मेजर, तो मैंने इसको शेयर करना चाहा कि बेसिकली आपके पास आपको पता होना चाहिए कि डेटा कैसे काम करता है, और डेटे के बाद आप जो है वो आपके पास जो कंप्यूटर्स आपके हाथ में या जिसके ऊपर आप अभी काम करें इसकी क्या है, इन्होंने प्रोसेस कैसे किया। तो डेटा जो है वो कलेक्शन ऑफ एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि डेटा आपके पास रॉ मटेरियल में भी हो सकता है, आपके पास रिफाइन मटेरियल में हो सकता है, कंप्यूटर्स के लिए तो आपका डेटा कहलाता है। इसके आगे फर्दर जो है वो दो टाइप्स हैं, वो न्यूमेरिक डेटा है, कैरेक्टर डेटा है। न्यूमेरिक डेटा में आपके पास जो है वो 0 से 9 तक का डेटा आएगा। कंप्यूटर याद रखिए कि क्लास जो है इसमें आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड पे इसमें 10 नहीं है। अब जब काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो आप कंप्यूटर के साथ डील करेंगे तो ये आपके साथ जो काम करेगा 0 to 9 करेगा। उसके बाद आपके न्यूमेरिक डेटा में जो साइंस है, कॉलन्स हैं, सेमी कॉलन्स हैं, स्लैशेस हैं, ये आपके पास न्यूमेरिक डेटा में आते हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टर डेटा फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक आपका स्ट्रिंग डेटा है और आपका ग्राफिकल डेटा है। स्ट्रिंग डेटा जो है वो कंसिस्ट करता है आपके अल्फाबेटिक डेटा के ऊपर और अल्फा न्यूमेरिक डेटा के ऊपर। अल्फाबेटिक आपका नाम हो गया, अल्फा न्यूमेरिक के साथ जो है आप देखा होगा आपने जब आपने ईमेल बनाते हैं तो उसके ऊपर पासवर्ड लगाते हैं, अब से वो नम्स भी साथ डेटा के ऊपर मांगते हैं, जैसे आपका अपना फॉर एग्जाम्पल आपका नेम होता है और आप अपने पासवर्ड के साथ अपने डेट ऑफ बर्थ को डालते हैं या अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा वो आ गया। फिर उसके बाद ग्राफिकल डेटा जिसमें आपके पिक्चर्स एम्बेड हों, तमाम चीजें मौजूद हैं, एक आपके पास कॉमन एग्जाम्पल उसकी CNSE की है। यहाँ तक क्लास क्लियर है आपको डेटा क्या है? ये हमने बेसिकली डेटा को पढ़ना है 4 चैप्टर में डिटेल में, डेटा क्या और इसकी प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल्स हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे आपको? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिकली हिस्ट्री ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। मैंने आपसे शेयर किया कि यह बैकस से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपने ये आपके लिए वो जानना जरूरी नहीं है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो जनरेशन हैं, जो आपके पास ये भी मौजूद सिस्टम्स हैं, ये कैसे आई, ये कैसे वजूद में और उनका इनमें डेटा कैसे प्रोसेस होता रहा। तो जो डेटा प्रोसेसिंग थी फर्स्ट जनरेशन से, तो वो ये वैक्यूम ट्यूब्स में हुआ करती थी। उनका जो एंट्री हो, जो इनपुट डेटा था जो आप अभी कीबोर्ड्स के लिए यूज करें, ये आपका थर्ड जनरेशन में आया था। फर्स्ट सेकंड जनरेशन में जो थे वो पंच कार्ड्स यूज हुआ करते होते थे, पंच कार्ड्स होते थे स्पेशली बिल्ड, वो बनाए जाते थे इंस्ट्रक्शंस के लिए। और ये बेसिकली जो फर्स्ट 2 जनरेशन थे तो वो तो इवन कैलकुलेशंस के लिए यूज किए जाते थे, स्पेशल लोग चाहिए थे इनको यूज करने के लिए, बड़े बड़े कमरे चाहिए थे, एयर कंडीशन चाहिए थे, और इनमें से कोई एक पार्ट कंपोनेंट खराब हो जाता था तो वो पूरी मशीन बैठ जाती थी और उनको समझ ही नहीं लगती थी कि कहाँ से इसको देखें। अभी भी आपके पास आपके मदरबोर्ड में कोई चीज खराब हो जाती है तो वो आपका सिस्टम नहीं काम करता, लेकिन वो इजिली ट्रेसेबल है और वो इजिली रिपेयरेबल है। यहाँ पे तो दिनों महीनों घंटों लग जाते थे उसको ट्रेसिंग के लिए। तो इसको पहले देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन हमारे पास क्या है। फर्स्ट जनरेशन आपके पास ये 1940 से 1956 तक का जो टाइम पीरियड है, ये यहाँ पे जो कंप्यूटर्स आपके पास बिल्ट अप हुए, इनमें जो काम हुआ, तो इनको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। ये काफी एक्सपेंसिव थे और इनको ऑपरेट करना काफी मुश्किल था,
इसके लिए इनको इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा चाहिए होती थी। मशीन लैंग्वेज जो थे वो स्पेशल लोग जो थे वो हर वक्त वो स्पेशल पर्सन जो थे वो इनको यूजर होते थे। हर कोई मैं और आप जैसे अभी सिस्टम को डील कर रहे हैं वो उसको नहीं ऑपरेट कर सकते थे, ऑपरेटर स्पेशल चाहिए होते थे और ये एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम जो होती थी उसको सॉल्व आउट करते थे। उसके बाद आपके पास आता है इसके जो फर्स्ट जनरेशन के जो मॉडल थे वो यूनिवैक और इनिवैक दो एग्जांपल थी। और जो यूनिवैक था ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो कि डेवलप्ड होके बिल्ट होके किसी बिजनेस क्लाइंट को ये डिलीवर हुआ था। उसके बाद सेकंड जनरेशन में आपके पास जो थे वो वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स ने ले लिया था। उसके बाद उसमें जब हुआ ये कि वैक्यूम ट्यूब्स का जो साइज था वो जब ये रिमूव होकर ट्रांजिस्टर्स के ऊपर आए तो इसका साइज तकरीबन कम हाफ हो गया था, उससे फास्टर हो गया था, कॉस्ट काफी चीप हो गई थी, एनर्जी एफिशिएंट हो गए थे। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट जनरेशन के साथ तो उसके 100 टाइम्स जो था ये फास्ट था, प्रोसेसिंग इसकी काफी फास्ट हो गई थी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो उस वक्त डेवलप्ड हुए थे उनको यूज किया गया और कंप्यूटर जो था वो कैपेबल था फर्स्ट टाइम के कोई इंस्ट्रक्शन जो था वो वर्ड्स की सूरत में ले सके, मतलब वो डिजिट्स की सूरत में या मशीन लैंग्वेज की सूरत में नहीं ले सकेंगे। और इसमें जो थी वो फर्स्ट टाइम मेमोरी जो की जो ऑप्शन थी वो आ चुकी थी। उसके बाद आपके पास हम जाते हैं थर्ड जनरेशन के ऊपर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो आपके आईसीस का दौर था 1964 से 71 तक। थोड़ा आपका सिस्टम जो था वो और फास्ट हो चुका था, ट्रांजिस्टर जो थे जो आपकी आईसीस थी वो रिप्लेस हो गई थी, मदरबोर्ड्स की सूरत में आपके पास सिस्टम आना शुरू हो गया था। आपके पास कोई स्पेशल लोग इसके लिए भी नहीं रिक्वायर्ड थे, कोई नॉर्मल बंदा जो कि उस चीज को कंप्यूटर्स को समझ सकता था वो उसको ऑपरेट कर सकता था, वो फास्ट था एज कम्पेयर टू द सेकंड जनरेशन। आपके पास कीबोर्ड्स आ चुकी थी, मॉनिटर्स आ चुके थे, ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था, आप इसके ऊपर एट अ टाइम मल्टी प्रोसेसिंग जो थी मल्टी टास्किंग आपकी थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई थी। एट अ टाइम जो है वो आप जो है वो एक एक वक्त में 5-6 काम अपने कंप्यूटर से रन करा रहे हैं और आपकी तमाम जो जो आपका डेटा है वो मेमोरी में मॉनिटर भी होता था और उसको वो सेव भी होता था। और ये वाला जो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे ये मैसिवली जो थे वो सेल आउट हुए थे क्लाइंट्स को, क्योंकि ये काफी चीपर थे एज कम्पेयर टू देयर प्रेडेसेसर। उसके बाद आपका जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आते हैं आपके पास माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ आए थे, स्मॉलर साइज में आए थे। इन मॉडल्स को बेसिकली 8086 मॉडल भी कहा जाता है। इसका पैडल मॉडल था वो आपका IBM ने इसको लॉन्च किया था 81 में, एप्पल इसको इंट्रोड्यूस कराया था 84 में, और जो पेंटियम मॉडल जो थे ये इंटेल वाले ये आपके पास 8081 मॉडल था, 80s में आ गए थे आपके पास। और ये अभी जो मॉडल आपके पास आ रहे हैं वो 8086 के फर्दर रिफर्निश्ड मॉडल आपके पास मार्केट में ये अवेलेबल है और आप इनको यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि डेवलप होती है आपके पास, आजकल आप यूज कर रहे हैं वॉइस रिकग्निशन, इजीली आप देखते होंगे आपके रोबोट जो है वो इजीली आपके वॉइस को रिकग्नाइज कर सकते हैं और उसके ऊपर भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो आपने दी होगी उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। ये पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोसेसर्स होते हैं जो आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं। बियॉन्ड द इमेजिनेशन ये सिस्टम जो है ये जनरेशन चलती चली जाएगी और ये इम्प्रूवमेंट इसमें डे बाय डे आती चली जाएगी। जी क्लास, एनी क्वेश्चन विद लेक्चर वन? नो सर। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो जो लेट कमर्स हैं जिन्होंने अभी मैंने उनको ज्वाइन इन किया तो वो कोई क्यूरी हो बच्चा तो मैं सेकंड की तरफ जानता हूँ, सेकंड लेक्चर को हम देखते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा आज तो आपसे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा ये, और हो सकता है कि मैं फिर सडन क्विज भी आपसे ले लूँ। तो प्लीज ये बड़ी सिंपल से
टॉपिक्स हैं, बड़े इजी टू लर्न है। आप मेरे ख्याल में इसको एक दफा ही पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इजी स्लाइड्स आपके लिए बनाऊं ताकि आप इसको फर्स्ट टाइम ही पढ़ें या आप इसको जो है वो आप इसको क्लियर कर जाएं। अच्छा, आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपने बेटा पढ़ा था, इसको इस वाले लेक्चर को आपने पढ़ा है जी? क्लास जी, क्लास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर CRGR? यस सर, अटेंड किया था। अटेंड किया था, अच्छा। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके क्लास कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, क्या मैं जान सकता हूं? जी बेटा, एनीवन वॉलंटियर जिसको सारे नाम आते हो, या मैं स्पेसिफिकली पूछूं किसी से? सर पर्सनल कंप्यूटर था, मिनी फ्रेम कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर्स थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर था, ऐसे तरह थे नेम्स। अच्छा, ये बेसिकली वो कंप्यूटर्स हैं जो इजीली आपके लिए, आपने इनको यूज भी किया होगा। सिर्फ चंद एक दो कंप्यूटर्स हैं जो कि आपने नहीं यूज किए होंगे, और हो सकता है इनमें से एक आध कंप्यूटर मैंने भी अपनी जिंदगी में यूज ना किया हो और शायद देखा भी ना हो। तो आपके पास जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें आपके पास पर्सनल कंप्यूटर आते हैं, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, वो इजी टू यूज हैं, आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। मोबाइल कंप्यूटर्स हैं, जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं। गेम कंसोल्स हैं, ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं। सर्वर्स, ये हो सकता है आपने यूज ना किए हो, मैंने यूज किए हैं। आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा यूनिवर्सिटी में जो सर्वर यहाँ पे यूज होते हैं, वर्कआउट कैसे करते हैं, वो उसकी वर्किंग मैं आपसे शेयर करूंगा कि इनमें हार्ड ड्राइव्स कैसी होती हैं और इसकी प्रोसेसिंग कैसी होती हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ये यहाँ पे इस्लामाबाद कैंपस में नहीं होते हैं हमारे पास, ये स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं, ये बड़े बड़े जो इदारे हैं हमारे हेड ऑफिस में रन होते हैं, या यहाँ पे बैंक्स के अंदर जो उनके हेड ऑफिस है वहाँ पे ये रन होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, ये मैंने भी यूज नहीं किया। उसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, ये भी इजी वो कंप्यूटर्स हैं जो डेली यूजर्स आप इसको यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास वेरिएबल कंप्यूटर्स हैं जो कि आप इसको भी यूज करते हैं। तो अभी तो जो टेक्नोलॉजी है वो यूजर इनके पास काफी जा चुकी है, तो कुछ चंद ही चीजें हैं जो कि स्पेशल पर्पस बिल्ड कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आप नहीं यूज करते, बाकी तो तमाम टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है और आप इसको यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स आपका जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, वो इनको PC भी कहा जाता है, ये टावर में भी हो सकते हैं, ये डेस्कटॉप में भी हो सकते हैं। PC जो है वो आपके बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर आपके कहलाते हैं, जिनमें आपके पास माइक्रो जो मेमोरी होगी, रैम है, आपके हार्ड ड्राइव्स होगी, उसमें एक दो इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होंगी। आपके पास जो पॉपुलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसमें एप्पल, सोनी, डेल, HP हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो यूजर्स हैं वो हमारे पास, हम इसको यूजर ऑफिस यूज के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर लैब्स में आपके पास मौजूद है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज हो सकती है, घर में आप होम बजटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं, और जो कम्युनिकेशन पर्पसेस हैं, कम्युनिकेशन एप्स जो हैं वो, जैसे हम अभी जूम पे बात कर रहे हैं, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है मोबाइल कंप्यूटर्स, जो कि आप इजिली जैन को कहीं पे भी कैरी ऑन कर सकते हैं, इनको लेके जा सकते हैं, और ये वेरी करता है फ्रॉम साइज टू साइज, और इसकी जो स्टोरेज है कैपेसिटी जो है वो भी वेरी करती है फ्रॉम एज पर द मॉडल। इसमें आपके पास जो है वो आपसे मैंने जिक्र किया कि छोटा साइज आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो और आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसके जो मॉडल्स हैं, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, इसमें लैपटॉप्स आते हैं, नोटबुक्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, ई बुक्स आती हैं। ई बुक्स स्पेशल कंप्यूटर या टैबलेट या नोटबुक होता है, ई बुक आपके एक मोबाइल फोन की तरह, टैबलेट की तरह एक डिवाइस होती है जिसमें आपके पास बुक्स
डेटा जो है बुक शेयर की जाती है और बुक्स का एक्सेस होता है, और आप जो है वो बुक रीडिंग जो है वो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। इसमें बिलियंस ऑफ बुक्स जो है वो शेयर की जाती है, ये बनाया ही बुक्स रीडिंग के लिए जाता है। आपके पास फेमस मैन्युफैक्चरर्स आपके पास जो है वो सैमसंग है, नोकिया है, एप्पल है, लेनोवो, ओप्पो, डेल आपके पास आ जाता है। उसके बाद फिर आपके पास गेम्स आती हैं, गेमिंग डिवाइसेस हैं, एक्सबॉक्स है, आपके पास PS4 PS5 है, ये चीजें आपके पास आती हैं, जिसमें आपके पास तीन चीजें आती हैं। एक आपके पास इनपुट में आपके जो गियर्स आए या जो आपके आपके जो गेम कंट्रोल्स हैं ये आपके पास इनपुट में आता है, स्क्रीन जो है वो आपकी LED या TV के साथ आपने कनेक्ट किया होता है, और थर्ड पोर्शन आपके पास जो इसका यूनिट होता है जिसमें गेम्स जो है वो प्ले की जाती हैं, या मदरबोर्ड जिसको प्रोसेस करता है तमाम चीजों को, जिसमें हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क या मेमोरी डिस्क के थ्रू आप इसको रन करते हैं। सर्वर्स ये कैपेबल होता है एक सिस्टम किसी एक प्रोग्राम को किसी एक फंक्शन को रन करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए रन करता है ओवर द इंटरनेट थ्रू नेटवर्क। जैसे आपका जो CMS है, LMS है, ये रन होते हैं स्पेशल बेल्ट जो है वो उसके ऊपर, सर्वर्स के ऊपर। तो आपने देखा होगा जब आप अपने डेटा का लॉगिन करते हैं तो वो रैपिडली आपको आपसे वो डेटा जो है वो आपको डिस्प्ले कर देता है आपके इंटरनेट के ऊपर। तो ये सारा जो कमाल होता है इसमें इंटरनेट का भी होता है, लेकिन जो रिस्पोंडेंट होता है जो इसको जब हम आगे इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे तो ये मॉडल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिजल्ट ये आपको कैसे आता है। तो ये थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं ये इसको डील करता है। तो ये आपका जो डेटा है सेंट्रलाइज उसमें स्टोरेज एरिया के लिए यूज हो सकता है, डेटा इंफॉर्मेशन के लिए, और कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ये सर्वर जो है यूज किए जाते हैं। और इनका जो हार्डवेयर होता है ये भी स्पेशल होता है, ये नॉर्मल PC से डिफरेंट होता है। हो सकता है कि मल्टीपल PCs और मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स, मल्टीपल रैम्स रोम इसमें यूज हो रहे हैं प्रोसेस करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है पीपल जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जिसमें वो अपनी जो जिस पर्पस के लिए सर्वर जो है वो बिल्ट हुआ है वो उसको इजीली परफॉर्म कर सके। उसके बाद आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो ये साइज में बड़े होते हैं सर्वर से, और ये अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कम्बिनेशन ऑफ सर्वर्स होती हैं, डिफरेंट सर्वर मिलके जो है वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाता है। और ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, नॉर्मली ये यूज नहीं किए जाते। स्पेशल इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट्स इनको यूज किया जाता है क्योंकि ये काफी कॉस्टली होते हैं, और इसको जो है वो स्पेशल कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है इनको इनको देखने के लिए। और इसके इसको जो कंप्यूटर्स हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन है इसको भी ये नहीं बियर कर सकते, क्योंकि ये जो स्पेशल पर्पस के लिए जब ये सिस्टम बनाए जाते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, तो जब उसमें डिले आता है तो इसको स्टार्टिंग में लिए वो काफी चीजें इसको चाहिए होती हैं, और इसको एग्जीक्यूटिंग के लिए वो जो डिले है वो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रन करना होता है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनसे उनकी परफॉर्मेंस या ब्रांड नेम के ऊपर काफी फर्क आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को डील करने के लिए, उनके बिल को या पेरोल को या उनकी इन्वेंट्रीज को या आइटम्स को डील करने के लिए। ये थाउजेंड से ऊपर की बात होती है, मिलियंस लोग जो होंगे वो अगर किसी चीज को सिस्टम को ज्वाइन इन करना है या उस एप्लीकेशन या फंक्शन को यूज करना है तो वो जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। आपके जो बिजनेस एक्टिविटीज वो उसके ऊपर जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपके पास वो आपके बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डेटा आपके पास मौजूद हो एट द सेम टाइम, तो वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो उसको डील करेगा। उसके बाद आपके पास जो पॉपुलर मॉडल है इसमें फुजित्सु ICLVM है और हिटाची Z800 है। सुपर कंप्यूटर्स ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन की जो जो प्रोसेसिंग होती है वो लेस देन क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है,
बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा स्पेस इसको चाहिए, ये बंच ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिलके आपका जो है वो एक सुपर कंप्यूटर बनाता है, ये बेसिकली वर्कआउट ही पैरेलल कंप्यूटिंग के ऊपर करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग इसके अंदर चलती रहती है। दूसरा जो है ये स्पेशल पर्पस बिल्ड कंप्यूटर्स हैं, जैसे आपकी अर्थवर्क की जो फेनोमेनम है उसको स्टडी करता है, डार्क मैटर्स जो आपकी यूनिवर्स में उसके ओरिजिन को ये स्टडी करता है, एक्सप्लोरेशन के लिए कोई गैस, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम को एक्सप्लोरेशन की जाती है बीनीथ द अर्थ, तो आप उसके डेटा को ये रीड किया जाता है, आपके जो बाकी रेनफॉल्स या विंडस्टॉर्म्स आती हैं तो जो आपके फोरकास्टिंग वाले हैं इसको यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो है वो आपके यूज होते हैं वेपन सिमुलेशन के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के लिए, उनकी सिमुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में ये दो जगह तीन जगह यूज हो रहा है, जैसे नेस्ट इसको यूज कर रहे हैं, आपका जो ये हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है ये यूज करते हैं, या आपकी जो मिलिट्री है ये यूज करती है फॉर द रिसर्च पर्पसेस और अपनी टेस्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। कुछ पॉपुलर मॉडल्स हैं, IBM सिक्विया है, फिजित्सो है, IBM का मीरा है और IBM का सुपर एमयूसी है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि एक स्पेशल चिप के अंदर मौजूद होते हैं और कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ वो चलाते हैं, जैसे आप आजकल की गाड़ियां हैं इनके अंदर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हैं, उसके अंदर सेंसर्स मौजूद हैं और अगर वो स्पेशल अगर वो वर्क नहीं करते तो आपको ये बेटर परफॉर्मेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए और काफी सारी चीजें जो है आपकी लाइफस्टाइल को इजी करने के लिए आपके पास जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स आ चुके हैं। जैसे आपकी गाड़ी में है, आपके प्रिंटर्स में मौजूद है, आपकी वॉइस जो माइक है ये आ चुके हैं आपके पास, जो आपके रिकॉर्डर्स हैं ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स के साथ हैं, डिजिटल रिस्ट हैं आपके पास और वॉचेस हैं, रिमोट कंट्रोल्स ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद आपके पास वेरिएबल कंप्यूटर्स हैं जो आपकी जो है वो वॉच हो सकती है, आप हाथ के ऊपर इसके ऊपर बांध सकते हैं, आप जो है वो जैसे सैमसंग के गियर आते हैं, वी गियर्स आते हैं आपके पास, गूगल की ग्लासेस हैं जो आपके शेड्यूलर या मल्टीमीडिया या ईमेल आपको वो शो करती है, या GPS ट्रैकिंग वॉचेस आते हैं जिसमें आपके पास जो आपकी जो पिन पॉइंट लोकेशन जो है वो शो करती है। इसके अलावा आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो आपको बताते हैं कि आपका जो हार्ट बीट है वो कितना है, आपके पल्स जो है वो क्या है, ये आपके वेरिएबल कंप्यूटर्स जो हैं वो आपको आपको बताते हैं कि आपकी जो फिटनेस लेवल है वो, और आपका जो GPS है वो आपको बताते हैं। इसके अलावा आपका कैलेंडर और आपका जो शेड्यूलर आपका होगा वो भी आपको वेरिएबल शो करते हैं। तो क्लास इस लेक्चर में आपको कोई चीज समझ आई, क्या मैं इसमें क्वेश्चंस आपसे भी कर सकता हूँ कि आपने अभी इसको क्या देखा, या आप मुझसे कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं? सर इसमें ना बताया हुआ है कि जो डिजिटल वॉचेस होती हैं वो वेरिएबल में भी होती हैं और एम्बेडेड में भी होती हैं, तो अगर हमें कैटेगराइज करना हो दोनों में से एक ऑप्शन हो तो फिर हम किस में करेंगे? डिजिटल जो आपके डिजिटल वॉचेस आती हैं जो कि आपके पास आपके पास आते थे जो कि 7, 1, 2, 3 की फॉर्म में आते हैं, ये वाले वॉचेस जो पुराने स्टाइल के होते थे, ये वाले जिसमें आप कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, इसमें सिर्फ आपको कैलेंडर शो कर रहा है या आपके शेड्यूलर शो कर रहा है, तो ये इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, ये ज्यादा एडवांस नहीं होते, तो ये आपके पास एम्बेडेड में आएगा और जो कि आपकी हार्ट बीट भी शो कर रही है आपके पास, आपका शेड्यूलर भी दे रहा है और आप शेड्यूलर को आप मल्टीपल शेड्यूलर इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो को आपका हार्ट रेट जो है वो भी बता रहा है, तो ये आपके वेरिएबल में आ सकता है, तो या आप इसको दोनों में कैटेगराइज कर सकते हैं, दोनों में डाल सकते हैं आप इसको, डिपेंड करता है आप किसी टेक्नोलॉजी के साथ। Okay, sir. जैसे अभी आपने ये नीचे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक के ऊपर आपकी फ्यूल आ रहा है और एक बड़ी घड़ी आपके पास आ रही है, तो जो नीचे वाली जो है ये आप इसको एम्बेडेड में डालेंगे कि आप इसको वेरिएबल में डालेंगे? जी क्लास सर स्क्रीन शो नहीं हो रही नेक्स्ट वाली स्लाइड्स की ना, सेकंड लेक्चर की नहीं शो हो रही, फर्स्ट पेज। बेटा मैंने तो शो की भी आपको, क्या और किसी को भी नहीं आ रहा? मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ।
अब शो हुई बेटा आपके पास? यस सर, अब शो हुई। यस सर, हो रही है। कोई क्लास और कोई क्वेश्चन या इसके ऊपर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? बहुत सिंपल था और मैंने कोशिश की है कि ये सिंपल से सिंपल ही रहे ताकि आपको ये आसानी रहे इसको समझने में। जी क्लास, आपने ये छोटे वाले बैंड वॉचेस तो यूज किए होंगे क्लास आजकल कि नहीं, जो कि आपका ये फिटनेस लेवल मॉनिटर करता है, जो टाइम भी आपको देता है और आपका फिटनेस लेवल भी मॉनिटर करता है। सिम भी इसमें लगी हुई होती है, आप कम्युनिकेशन भी इसमें करते हैं। जो सैमसंग गियर किसी ने यूज किया हो, सैमसंग वॉच किसी ने यूज की हो, एनीवन? जी बेटा, तो यूज तो नहीं किया बट पता है कि मतलब ऐसे। तो आपने लेक्चर देखे थे बेटा? यस सर। अच्छा, इसको प्लीज ये वाले जो आपके कब तक आएंगे, नहीं पूरा पूरा आपका जो चैप्टर है ये बहुत सिंपल बना है। अभी आज के मैं लेक्चर पेस्ट कर दूंगा, आप लैब का भी डल जाएगा और आपके जो है वो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज खत्म हो जाएगा। सिर्फ उसमें एक एंटीवायरस जो है वो रह जाएगा, बाकी वायरस तक जो है वो मैं आज पेस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर आपके LMS के ऊपर और आप वहां पे देख सकते हैं। तो थर्ड चैप्टर को देखें या क्या करें, थर्ड स्लाइड पे जाएं, थर्ड लेक्चर को? जी क्लास, या दो लेक्चर बहुत हैं आज। अच्छा, एक क्वेश्चन आया जी, सर्वर और मेन फ्रेम में क्या डिफरेंस है? सर्वर और मेन फ्रेम में क्या डिफरेंस है? सर्वर वो कंप्यूटर है जो कि मल्टीपल प्रोसेसर्स के साथ होगा, मल्टीपल रैम्स के साथ होगा, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स के साथ होगा, और वो उसकी कैपेसिटी होती है हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स को डील करने के लिए। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होगा वो मल्टीपल में सर्वर्स जो होते हैं वो मिलके एक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास इधर यूनिवर्सिटी के अंदर जो सर्वर रन हो रहा है, इसके अंदर जो है वो 6 प्रोसेसर्स हैं और इसकी जो रैम है वो 256 GB है और इसकी जो हार्ड ड्राइव है वो 250 TB है, जिसमें आपका डाटा जो है इधर इस्लामाबाद कैंपस का जो सर्वर जो सिस्टम हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो ये रन होता है। इनके सभी इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। और एक सर्वर जो है वो कैपेबल होता है VMware के अंदर, एक जब आप इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो मल्टीपल विंडोज, मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और एक बड़े सर्वर के अंदर आप मल्टीपल सब सर्वर बना सकते हैं और हर सर्वर जो होगा वो हर अपने अलग अलग काम करता रहेगा। जी एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आप ये हमारे साथ ये स्लाइड शेयर कर देंगे? आपको चाहिए बच्चे? यस सर। मिल जाएगी बेटा, ये आपको ये भी मिल जाएगी। और आपका अभी तक तो मैं कम से कम एक भी लेक्चर जो आपका मैं बनाता हूँ वो मल्टीपल रेफरेंसेस, मल्टीपल बुक्स के साथ डील करके उसमें से उसको देख के सबसे सिंपलेस्ट की कोशिश में होता हूँ कि आपको वो बन जाए। तो अगर आपको रेफरेंसेस भी कुछ चाहिए होंगे तो वो भी मैं ऐसे शेयर कर लूंगा, लेकिन वो आपको एक मैं बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हों जो कि आपको समझ ना आए। सर आप ये अभी तक जितनी भी ये स्लाइड्स हैं ये सारी शेयर कर दीजिएगा LMS? अभी नहीं, LMS के ऊपर तो मुझे जो इंस्ट्रक्शन है वो उसकी है, वीडियो की है। अलबत्ता आज मैं आपके वायरस तक के इश्यूज जो है वो, जब फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में आपका सिर्फ एक एंटी वायरस रह जाएगा, तो वह मैं पूछूंगा आपसे, आपके एकेडमिक ऑफिस से, कि जो है इनको कैसे आपसे ये डाटा शेयर करना है। इधर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप हम क्लास का कोई मैं बना लेते हैं, उसमें मैं डाल दिया करूँ, आप इजिली उसको एक्सेस कर लिया करें, और लैब की भी और थीरी की भी।
तो लेट मी टॉक विद देम, आज मैं उनसे पूछ के, तो फिर जब नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, इवन लैब का वेडनेसडे को जब हमारा पहली लैब होगी उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपसे फिर शेयर कर लूंगा कि मैं आप कैसे उसको आपके साथ ये चीजें डील कर सकता हूँ। मोहम्मद जावेद, आपको मेरा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया जो मैंने बताया आपको सर्वर और मेन फ्रेम का? जी जावेद साहब, एनीथिंग एल्स बच्चू? आसान आसान है ये आपका कोर्स या नहीं? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको? सर इजी है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको एनिमेशन या वो चीजें डाल के दूं। बेसिकली अल्लाह करे कि ये यूनिवर्सिटी खुल जाए और हम लाइव सेशन में आए, तो आपको इस कंप्यूटर के सब्जेक्ट को और इजीली मैं आपको समझा सकूंगा लैब्स के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी, और जब आप इसका हार्डवेयर इक्विपमेंट देखेंगे लैब के अंदर तो और आपको चीजें जो है वो इजीली समझ आएंगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हार्डवेयर को समझते भी होंगे और इसको आप इसको रिपेयर भी करवाया होगा या इजीली इसके साथ देख भी रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते तो इनशाला मैं आपको इस कर देता कि आप अपने हार्डवेयर को खोल भी सकते थे और इसको इजीली आप जोड़ भी सकते थे और आप इंस्टॉलेशंस वगैरह या कोई आपकी जो माइनर चीजें हों वो आप इजीली खुद सेल्फ रिलायबली आप उसको देख सकते थे। चलिए इन एनी केस और कोई क्वेश्चन बेटा ताकि मैं इसको प्रोसीड करूं। आज का जो था वो मैंने इसको काफी सिंपलर रखा, नेक्स्ट टाइम जो होगा वो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस पे आप क्वेश्चंस अपने नोट डाउन भी करें और मैं आपसे भी क्वेश्चन करूंगा ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। और मैं उस याद रखिएगा क्लास आज आपकी तरफ से मैं किसी भी स्टूडेंट को मार्क करूंगा, उसको मैं इन्वाइट करूंगा, उससे मैं क्वेश्चन करूंगा, तो प्लीज एक्टिव रहा कीजिए ताकि सब क्लास का रिस्पॉन्ड आए। ठीक है सी आर जी आर अपने ग्रुप में बता दीजिएगा। ठीक है बच्चू? ओके सर। थैंक यू क्लास, मैं इसको एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। और भी अगर आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चू। जी क्लास मैं एंड कर लूँ या कोई क्वेश्चन है आपका? जी सी आर जी आर। नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू बेटा।